सो हेलो गाइज, मैं चेतेश गढ़िया, आपने इस नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में अपने दिल की बात आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। सो गाइज, जिन लोगों ने मुझे दी हैं ताने, जिन लोगों ने मुझे दी हैं गालियां, उन्हीं की आंतों से बजानी है एक दिन तालियां। जी हां गाइज, आंखों में जुनून है और कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन कोई नहीं, एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक दिन सफल होंगे, एक दिन अपने सपने को साकार करेंगे, अपने दम पर खड़े हो जाएंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। उतना आसान नहीं होता है गाइज एक वीडियो डालना यूट्यूब पर, जो वीडियो डालते हैं उतना आसान नहीं होता है यूट्यूब पे वीडियोस डालना। मैं बताता हूँ गाइज कैसी होती है। सो गाइज, मैं गांव का हूँ, मुझे पता है मैं कितनी दिक्कतों का सामना करता हूँ। जी हाँ गाइज, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कितनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है, अपने घर वालों से डांट खाने पड़ते हैं कभी कभी। और ये देख सकते हैं, दोपहर को निकला हुआ था, ये शाम हो चुका है वीडियोस बनाने के लिए। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और उधर लड़के मन खड़े हैं, मेरे को बुला रहे हैं, चलो घर चलते हैं। बच्चे वो क्रिकेट खेलने वाले थे, उनको लेकर के आ चुका हूँ अपने मैदान में वीडियोस बनाने के लिए। किसके लिए? आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए और अपने सपने को साकार करने के लिए। क्या करूँ, आंखों में जुनून है ना अपने सपने को पूरा करने। गाइस, एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यार, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे गालियां सुननी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो बनती है। क्या करूं, अगर कहने लग जाऊं ना आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन करना पड़ता है। जब इस फील्ड में उतर ही गए हैं, तो मैदान में उतर ही गए हैं, तो अब लड़ना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। बस यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ना कहती हुई इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं। बस अपने इस छोटे भाई को, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।